आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियलसॉफ्ट 10.9 सॉफ्टवेयर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने से मेरा मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉइज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कंपनी ऐड करना। तो कंपनी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना है। फाइल में मिलेगा कंपनी मास्टर। कंपनी मास्टर में एक कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट एडेड होती है, तो आप उसी को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर अपना नया कंपनी भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक को एडिट कर दिया है, मैं चाहूँ तो दूसरा कंपनी भी ऐड कर सकता हूँ। ऐसे ही जितनी मर्जी उतनी कंपनीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब कंपनीज ऐड करने के बाद जो अगला टास्क होता है वो है डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ऐड करने का। तो सबसे पहले हम पहले डिपार्टमेंट को हम एडिट कर लेते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स को हम एक एक करके यहाँ ऐड करेंगे। एक और डिपार्टमेंट हम ऐड कर लेते हैं सेल्स के नाम से। ये हो गए हमारे पास तीन डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हम फाइल में जा कर के डेजिग्नेशन में जाएंगे और यहाँ से हम डेजिग्नेशंस को ऐड करेंगे। पहले डेजिग्नेशन को हम एडिट कर लेते हैं। और भी डेजिग्नेशंस हम ऐड कर लेते हैं। सपोर्ट इंजीनियर के नाम से और एज डेजिग्नेशन हम ऐड कर लेते हैं अकाउंटेंट। एक और ऐड करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से। तो ये हो गया हमारे पास चार डेजिग्नेशन। अब इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट मास्टर। शिफ्ट मास्टर में हम देखेंगे तो तीन शिफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होती हैं, जी, एनए और एक्स, जिसमें से एनए और एक्स आपका सॉफ्टवेयर के लिए डिफ़ॉल्ट होता है, जो आपको ना तो एडिट करना होता है, ना तो डिलीट करना है, ना ही कोई चेंजेस आपको करना है। जो जी शिफ्ट है उसमें आप अपने ऑफिस के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑफिस का टाइम हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये शिफ्ट का एंड टाइमिंग हो गया। लंच अगर आपका होता है तो आप लंच का टाइम एंटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर ओवर टाइम जो भी होगा, जैसे ओवर टाइम जितना आपकी कंपनी में अलाउ होता है वो ओवर टाइम डाल के आप सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे से हम वीक ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे संडे हमारा वीक ऑफ है, सेकेंड वीक ऑफ अगर कोई होता है तो सेकेंड वीक ऑफ भी यहीं पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करके सेव कर देना है। अगर आपके पास और भी शिफ्ट होती हैं तो आप और भी शिफ्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट क्रिएट करने पे किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ओवर टाइम अगर आपको अलाउ करना है तो आप देना है, नहीं देना है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इवन अगर आपको वीक ऑफ भी नहीं देना तो आप वीक ऑफ भी इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद अगला टास्क है वो है कैटेगरी ऐड करने का। तो कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी जो है वो कंडीशंस हैं, किसी भी एम्प्लॉई या किसी भी स्टाफ के ऊपर आप जो भी कंडीशंस लगाते हो कि कौन कितना लेट आ सकता है, कितना अर्ली आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ आएगा। जैसे यहाँ मैं 15 मिनट लेट अराइवल अलाउ कर दे रहा हूँ, तो जो भी आपका शिफ्ट का स्टार्ट टाइमिंग होगा उससे 15 मिनट लेट एक्सेप्टेबल है। 15 मिनट से ज़्यादा अगर कोई लेट आएगा तो उसका लेट लगेगा। इसी लेट पर हम और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ लेट पर, कि कोई तीन लेट आता है तो उसका हाफ डे हो जाएगा। ऐसे ही लेट डिपार्चर इग्नोर, अर्ली अराइवल इग्नोर, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट हम मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम अलाउ कर सकते हैं, कैसे नए नए मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, वो सारी चीज़ें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं और क्लोज करते हैं। तो 10.9 सॉफ्टवेयर के अंदर जो मास्टर्स क्रिएट करने हैं वो यही मेजर है, कंपनी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, शिफ्ट और कैटेगरी। इसके बाद जो अगला टास्क होता है वो है हमारा एम्प्लॉई ऐड करने का। आप सीधे एम्प्लॉई मास्टर में जा करके एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हो। जैसे एक डेमो के लिए एक एम्प्लॉई एडेड होता है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। अब अगर हमें और भी एम्प्लॉयज ऐड करने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम यहीं से एक एक करके क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 12 नंबर पे एक एम्प्लॉई ऐड कर लेता हूँ।